नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन आई एस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास सिक्स की समरी कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने इसके पहले अध्याय सौर मंडल में पृथ्वी को कवर किया और आज हम लोग इसके दूसरे अध्याय ग्लोब अक्षांश और देशांतर को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम ग्लोब की बात करें तो ग्लोब जो है वो पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप होता है। वास्तविक प्रतिरूप का अर्थ हो गया ये ठीक उसी प्रकार दिखता है जैसे कि हमारी पृथ्वी दिखती है। ठीक है, इस पर उसी प्रकार देश, महाद्वीप, महासागर, देश ये हो गए महाद्वीप और महासागर स्थित हैं जैसे कि हमारी पृथ्वी पर वास्तव में स्थित है। ठीक है, यदि हम इसे ध्यान से देखें, यदि इसे ध्यान से देखें तो आप देखेंगे एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ठीक है, एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है और इस अक्ष के सहारे इस ग्लोब को हम पश्चिम से पूरब दिशा की तरफ घुमा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं जैसे कि हमारी पृथ्वी वास्तव में घूमती है। ठीक है, जिसे पश्चिम से पूरब घुमा सकते हैं जैसे कि हमारी पृथ्वी वास्तव में घूमती है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसी कोई सुई हमारी पृथ्वी के बीच से गुजरी है? नहीं, ऐसी कोई सुई हमारी पृथ्वी के बीच से नहीं गुजरी है। हमारी जो पृथ्वी है वो स्वतंत्र रूप से आकाश में लटकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई और अपने अक्ष पे घूर्णन कर रही है एंटी क्लॉकवाइज और साथ साथ सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे ये जो अक्ष है एक काल्पनिक रेखा है, ठीक इसी प्रकार हमारे जो ग्लोब पर एक और काल्पनिक रेखा खींची गई है जिसका नाम विषुवत वृत्त है, इसे अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, विषुवत वृत्त जो है वो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। ठीक, इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। ये क्या है, ग्लोब पर सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। ये अक्षांश रेखा मतलब ये जो विषुवत वृत्त है ये पूरे ग्लोब को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। इसके एक भाग को उत्तरी गोलार्ध और दूसरे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। इसके एक भाग को उत्तरी गोलार्ध और दूसरे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। यदि हम अक्षांश रेखाओं की बात करें तो ये इनकी लंबाई ध्रुव की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। ठीक है, इसको एक मैप से देखते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो हम देखेंगे कि सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा है वो हमारी कौन सी है, विषुवत वृत्त जो ये डॉटेड वाली है। इससे जैसे हम उत्तर की तरफ बढ़ते जाते हैं, दक्षिण की तरफ बढ़ते जाते हैं, अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो घटती जाती है, ऐसे ध्रुव की तरह घटती जाती है और जब हम ध्रुव पर पहुंचते हैं ये बिंदुवत हो जाती है। ठीक है, ये एक बिंदु मात्र में हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, इसकी दूसरी विशेषता क्या है अक्षांश रेखाओं की, ये इनके बीच की दूरी हमेशा क्या है, समान है, इसलिए इनको समांतर रेखाएं भी कहा जाता है। जैसे यदि हम 20 डिग्री उत्तरी और 40 डिग्री उत्तरी के बीच में देखें तो सभी स्थानों पर इनकी बीच की दूरी क्या है, समान है, इसलिए अक्षांश रेखाओं को हम लोग समांतर रेखाएं भी कहते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, हम लोग समांतर रेखाएं भी कहते हैं। अब केवल अक्षांश रेखाओं के द्वारा हम किसी स्थान का निर्धारण तो कर नहीं सकते, इसके लिए हमें देशांतर रेखाओं की बात जरूरत पड़ेगी। तो देशांतर रेखाओं को पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं जैसे क्या हो गए, यदि हम देखें कि पहली महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा कौन सी है, विषुवत वृत्त खुद ही हो गई। ठीक है, 0 डिग्री वाली पहली महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा हमारी कौन सी हो गई, 0 डिग्री अक्षांश। एक मिनट, ये 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, जिसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। इससे अगर हम उत्तर में जाते, उत्तरी गोलार्ध में जाते हैं तो 23.5 डिग्री उत्तर पे हमें मिल जाती है कौन सी रेखा, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तर पे हमें मिल जाती है कर्क रेखा। इससे और उत्तर जाते हैं तो 66.5 डिग्री पे मिल जाती है उत्तर ध्रुवीय वृत्त, उत्तर ध्रुवीय वृत्त, और उससे उत्तर में जाते हैं तो हमें मिल जाता है उत्तर ध्रुव। ठीक इसी प्रकार यदि हम दक्षिण में जाते हैं तो 23.5 डिग्री दक्षिण पे हमें मिलती है मकर रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिण मिलती है मकर रेखा, और ये 66.5 डिग्री दक्षिण पर हम पहुँचते हैं तो हमें मिल जाती है दक्षिणी ध्रुव वृत्त, और 90 डिग्री पे हमें मिल जाएगा
दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव। ये कुछ महत्वपूर्ण समांतर रेखाएं हैं जिनको भी हमें जानना जरूरी है। इसके साथ साथ हम ताप कटिबंध को भी पढ़ेंगे। ताप कटिबंध क्या है? जैसे कि सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी के कितने भाग पर किस तरीके से पड़ रहा है, कितनी ऊर्जा सूर्य के द्वारा हमें हमारी पृथ्वी को किस क्षेत्र को मिल रही है, उसके आधार पर इसको हमने ताप कटिबंध में विभाजित किया। जैसे यदि हम देखें कि जो हरा वाला रीजन है, इसमें क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश कम से कम साल भर में एक दिन हमारे सर के ऊपर सूर्य जरूर चमकता है, ठीक है। इस हरे वाले भाग में 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच में सूर्य कम से कम एक दिन हमारे सर के ऊपर जरूर चमकता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में सूर्य की रोशनी सबसे ज़्यादा मिलती है, सूर्य की ऊष्मा सबसे ज़्यादा मिलती है, इसलिए यह जो हरा वाला पूरा क्षेत्र है ये उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। लेकिन जब हम 23.5 उत्तर से और उत्तर जाते हैं, 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री उत्तर तक, तो इस क्षेत्र में क्या होता है, सूर्य कभी भी हमारे सर के ऊपर नहीं चमकता, पूरे साल में कभी भी सर के ऊपर नहीं चमकता। यहाँ पे सूर्य की रोशनी कैसी पड़ती है, तिरछी पड़ती है। तो सूर्य की रोशनी तिरछी पड़ेगी तो उसमें ऊष्मा इसे प्राप्त नहीं होगी, यहाँ पे मौसम ठंडा रहेगा, इसलिए इसको क्या कह दिया गया, इसे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध नाम दे दिया गया, ठीक है। पहला कटिबंध उष्ण कटिबंध, दूसरा कटिबंध क्या हो गया, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। इससे और उत्तर जब हम जाते हैं तो सूर्य जो है वो क्षितिज से ज्यादा ऊपर कभी चढ़ता ही नहीं। यदि 66.5 डिग्री से और उत्तर जाएंगे 90 डिग्री तक, तो क्या सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ता, तो यहाँ पे विकराल ठंडी पड़ती है, इसे इसलिए इसका नाम दे दिया उत्तरी शीत कटिबंध। इसका नाम क्या दे दिया गया, उत्तरी शीत कटिबंध। इसी प्रकार हम अगर दक्षिण ध्रुव में देखेंगे, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे, तो 23.5 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री के बीच में क्या है, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है। उससे 66.5 से 90 तक देखेंगे तो दक्षिणी शीत कटिबंध है, और 0 से 23.5 तक देखेंगे तो ही उष्ण कटिबंध का ही फैलाव है, ठीक है। तो सूर्य की रोशनी किस प्रकार पृथ्वी पर पड़ रही है, सीधी पड़ रही है, तिरछी पड़ रही है, या सूर्य क्षितिज से ऊपर उठ ही नहीं रहा है, उसके आधार पर हम पूरी पृथ्वी को तीन ताप कटिबंध में विभाजित करते हैं। एक होता है उष्ण कटिबंध, दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंध, तीसरा होता है हमारा शीत कटिबंध, ठीक है। तो इस प्रकार हमने कटिबंध को देखा। अब हम देखेंगे कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है। क्योंकि हमने बताया था कि केवल अक्षांश रेखाओं के द्वारा ही हम किसी भी जगह का ठीक से निर्धारण नहीं कर सकते, उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, अक्षांश देशांतर रेखाओं की भी आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन देशांतर रेखाओं के साथ परेशानी ये है कि अक्षांश रेखाओं में हमने देखा था कि विषुवत वृत्त जो थी, 0 डिग्री जो देशांतर रेखा थी, अक्षांश रेखा थी, वो क्या थी, वो सबसे बड़ी थी, और उसके ऊपर ध्रुव की तरफ जाने पर सबकी लंबाई घटती जा रही थी, सभी अक्षांश रेखाओं की। लेकिन यहाँ क्या है, जितनी भी देशांतर रेखाएँ हैं वो एक पोल से शुरू होती हैं, दूसरे पोल पर ख़त्म होती हैं, तो यहाँ पे क्या है, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर है। अब यहाँ पे किसको हम 0 माने, किसको 180 माने, किसको 360 माने, यहाँ तो मानना बहुत कठिन हो गया। जब ये कठिनाई सबके सामने आई तब क्या हुआ, ये माना गया, ये सोचा गया कि जो अच्छा जो देशांतर रेखा ग्रीनिच, ठीक है, ग्रीनिच या ब्रिटिश राज की वेधशाला जहाँ स्थित है वहाँ से गुजरेगी, जो देशांतर रेखा क्या नाम है ग्रीनिच से गुजरेगी उसको प्रधान यामोत्तर रेखा माना जाएगा, ठीक है, उसको क्या माना जाएगा, प्रधान यामोत्तर रेखा माना जाएगा। इस चित्र में हम देखें तो ये 0 डिग्री जो है ये इंग्लैंड के ग्रीनिच नामक स्थान से गुजरा है, इसको क्या नाम दे दिया गया, प्रधान यामोत्तर रेखा माना गया। इसके पूर्व दिशा में जाने पर क्या होता है, समय बढ़ता है, इसके पश्चिम में जाने पर क्या होता है, समय पीछे जाता है, घटता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा हमारी पृथ्वी के घूर्णन की वजह से होता है। हमारी पृथ्वी जो होती है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है, इस प्रकार इस प्रमुख यामोत्तर के पूर्व में जितने स्थान होते हैं वहाँ का समय इस प्रमुख यामोत्तर से आगे होता है,
और पश्चिम के जितने स्थान होते हैं वहाँ का समय इस प्रमुख यामोत्तर से पीछे चलता रहता है। अब ये कितने यामोत्तर खींचे गए हैं, ठीक है, ये एक एक डिग्री के अंतराल पे कुल पूरब की तरफ 1, 2, 3 से लेकर 180 तक खींचे गए हैं, ठीक है, पश्चिम में भी ये 1, 2, 3 से लेकर 180 तक खींचे गए हैं। लेकिन रोचक बात यह है कि 180 पूरब और 180 पश्चिम यामोत्तर दोनों क्या हैं, एक ही रेखा है, ठीक है, 180 पूर्व 180 पश्चिम दोनों क्या हैं, एक ही रेखा है। तो इस प्रकार कुल यामोत्तर रेखाओं की संख्या कितनी हुई, एक हो गई आपकी 0 डिग्री, 0 डिग्री से कहाँ तक आप जाएंगे, 179 डिग्री तक, ठीक है, फिर उसके बाद ये पूरब की बात होगी, पश्चिम में भी 0 से जाएंगे 179 तक, उसके बाद 180 वाला दोनों के लिए कॉमन है तो एक बार 180, तो कुल मिलाकर एक रेखा ये हो गई 179 रेखा ये पूरब में, 179 पश्चिम में प्लस 180 एक, कुल मिला के कितनी यामोत्तर रेखाएं हुई, कुल मिला के 360 यामोत्तर रेखाएं खींची गई। अब 0 डिग्री यामोत्तर रेखा मतलब प्रमुख यामोत्तर रेखा और 180 डिग्री यामोत्तर रेखा, 0 और प्लस 180 ये दोनों यामोत्तर रेखाएं मिलके ये दोनों देशांतर रेखाएं मिलके पूरी पृथ्वी को दो और गोलार्ध में विभाजित करते हैं, एक पूर्वी गोलार्ध, एक को कह देते हैं हम पूर्वी गोलार्ध, एक को कह देते हैं हम पश्चिमी गोलार्ध, एक को कहते हैं पूर्वी गोलार्ध, एक को कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध। हमने देखा था जो अक्षांश रेखाएं थे वो पूरे पृथ्वी को दो गोलार्ध में विभाजित कर रहे थे, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, और 0 डिग्री यामोत्तर और 180 डिग्री यामोत्तर ये दोनों रेखाएं मिलके क्या कर रही हैं, पूरे पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित कर दे रही हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद देखेंगे कि देशांतर और समय, कि इन यामोत्तर रेखाओं के द्वारा हम समय का निर्धारण कैसे करते हैं, ठीक है। समय के निर्धारण के लिए हमने ये ध्यान दिया कि जो हमारी पृथ्वी है ये 24 घंटे में क्या करती है, एक चक्कर पूरा कर लेती है, मतलब 360 डिग्री घूम जाती है। यदि हमारी पृथ्वी 360 डिग्री 24 घंटे में घूम रही है तो हमने इसको 24 मानक समयों में विभाजित कर दिया, ठीक है, इसको 24 समय जोन में हमने पूरी पृथ्वी को विभाजित कर दिया। उसको कैसे किया कि जब हमने जाना कि ये पूरी पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम रही है, ठीक है, पूरी पृथ्वी क्या कर रही है 24 घंटे में घूम कितनी रही है 360 डिग्री, तो एक घंटे में कितनी घूमेगी 360/24, कहने का मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 15 डिग्री। हमने इस पूरी पृथ्वी को 15-15 डिग्री के अंतराल पर कुल 24 समय जोन में विभाजित कर दिया, ठीक है, कुल 24 समय जोनों में हमने विभाजित कर दिया। अब जब समय जोनों में विभाजित कर दिया गया तो मानक समय जोन मानने की क्या जरूरत है, मानक समय जोन माना जाता है किसी देश के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, मानक समय जोन जो माना जाता है वो किसी देश के परिप्रेक्ष्य में माना जाता है। जैसे अगर हम अपने देश भारत की बात करें, यदि हम अपने देश भारत की बात करें तो भारत को देखेंगे ये 68 डिग्री पूरब से लेकर 97 डिग्री पूरब तक ये फैला हुआ है, ये 68 डिग्री पूरब से 97 डिग्री पूरब तक फैला हुआ है, ये लगभग 30 डिग्री के अंतराल पे है, यहां से यहां तक बीच की दूरी लगभग कह रहा हूं 29 डिग्री कुछ मिनट है, लेकिन 30 डिग्री मान लो, तो 15 डिग्री बराबर कितना होता है, ठीक, 15 डिग्री बराबर होता है आपका एक घंटा हो जाता है 15 डिग्री बराबर, तो 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 2 घंटा, यही तो होगा 30 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा 2 घंटा। तो कहने का मतलब हमारा जो अरुणाचल प्रदेश का किवथू है, यहाँ पे जो किवथू है और गुजरात का गौर मोता है, इसके बीच की जो समय अंतराल है ये 2 घंटे का है। यदि हम मानक समय 82/1/2 मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी को मानक समय ना माने होते तो क्या होता कि हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश के किवथू में 5 बज रहा होता, ठीक उसी समय हमारे गुजरात के गौर मोता में 3 बज रहा होता, ठीक है। लेकिन हमने इसको इस दुविधा को सॉल्व करने के लिए क्या कर लिया, एक मानक समय हमने अपने देश के बीचों बीच से मान लिया जो कि मिर्जापुर से गुजरता है 82.5 डिग्री पूर्व को,
और हमने ये मान लिया कि जो समय 82 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर होगा, वही समय पूरे देश भारत के लिए मानक समय माना जाएगा। वही समय पूरे देश मतलब हमारे देश भारत के लिए मानक समय माना जाएगा। तो इस दुविधा से बचने के लिए कि एक ही देश में अलग अलग समय ना चलें, उसके लिए हर देश क्या करता है, मानक समय मानता है। लेकिन कुछ देश इतने बड़े हैं जिनका एक मानक समय में काम नहीं चलता, ठीक है। ऐसे देश क्या करते हैं, एक से ज़्यादा मानक समय बनाते हैं। जैसे रूस की अगर हम बात करें, रूस में कुल 11 समय मानक समय हैं, यूएसए में कुल 7 मानक समय हैं और कनाडा में कुल 6 मानक समय हैं, ठीक है। जिनका एक मानक समय से काम नहीं चलेगा तो वे ज़्यादा मानक समय मानते हैं। रूस 11 मानक समय अपने लिए मानता है, ठीक है। यूएसए में 7 हैं और क्या नाम है, कनाडा में 6 मानक समय। किनका, इनका देशांतरीय विस्तार काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब हमने ये समझ लिया कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं और ये भी जान लिया मानक समय क्या होता है। अब एक चीज़ हमें और देखनी है, तिथि रेखा क्या होती है, ठीक है। तिथि रेखा, उसको देखने के लिए हम एक मैप का सहारा लेते हैं, ठीक है। इसको देखें, इस मैप को यदि हम देखें तो ये क्या है, ये हमारी पृथ्वी का मैप। तो सबसे पहले हम समय रेखा को देख लेते हैं जो ग्रीनिश से गई है। ये ग्रीनिश से जो रेखा गई है, इसके जो पूरब में जो समय है ये ग्रीनिश से आगे चलता है। ये पूरी क्या है, ग्रीनिश रेखा है, ठीक है। ये ग्रीनिश इधर पूर्व है, इधर क्या है, पश्चिम है। पूरब का समय क्या होता है, इससे आगे चलता है, जो हमने बताया। मान लेते हैं यहाँ पे क्या बज रहा है, इस समय यहाँ पे बज रहा है 12, तो +1 का मतलब हो गया कि यहाँ पे बज रहा होगा कितना, 1 घंटा आगे 1 बज रहा होगा। यहाँ रात के 12 बज रहे हैं, यहाँ रात के 1 बज रहे हैं। 1 माइनस का मतलब ये हो गया कि यहाँ रात के अभी 11 बज रहे हैं, ठीक है। तो ये बात है मानक समय रेखा, मतलब ग्रीनिच से जो प्रमुख यम उत्तर गई है उसके पूर्व में जितने भी देश हैं उनका समय आगे चलता है, पश्चिम में जितने देश हैं उनका समय पीछे चलता है, ठीक है। 1, 2, 3 यही दर्शाते हैं कि 1 घंटा आगे, 2 घंटा आगे, 3 घंटा आगे, 4 घंटा आगे। इधर के माइनस वाले दिखाते हैं कि 1 घंटा पीछे, 2 घंटा पीछे, 3 घंटा पीछे, ठीक है। अब ये बात हो गई हमारे समय रेखा की। अब तिथि रेखा की बात करते हैं, ठीक है। जब हम तिथि रेखा की बात करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा ये साइबेरिया और अलास्का के बीच, ठीक है। यहाँ पे कौन सी है, बेरिंग जलसंधि है। तो यहाँ से हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरी है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 को फॉलो नहीं करती, ये थोड़ा तिरछी चलती। जैसे यहाँ साइबेरिया पड़ गया जो कि रसिया का भाग है, तो यहाँ पे डेट एक ही रहे, इसके लिए इसे थोड़ा तिरछा करके बेरिंग स्टेट से गुजारा गया। फिर यहाँ पे तिरछा किया गया, फिर उसके बाद सीधा चला, फिर उसके बाद तिरछा किया गया कि न्यूजीलैंड जो है उसके सभी स्थान जितने हैं वहाँ पे डेट एक ही रहे। ऐसा ना हो कि न्यूजीलैंड के एक द्वीप पे सोमवार है, दूसरे द्वीप पे मंगलवार हो, ऐसा ना हो। इसे हटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को क्या किया गया, थोड़ा टेढ़ा बनाया गया है। तो ये हो गई हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से यदि हम पूरब की ओर जाते हैं, ठीक है। हमें अब पूरा मैप नहीं देखना, केवल हमें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा देखना है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से यदि हम पूरब दिशा में जाते हैं तो हमारा समय क्या होता है, पीछे जाता है। यदि हम पश्चिम में जाते हैं तो हमारा समय क्या होता, आगे होता है। इसको समझने के लिए हम ऐसे समझें कि जैसे एक व्यक्ति का घर अलास्का में है, ठीक है। एक व्यक्ति है जिसका घर कहाँ है, अलास्का में है। दूसरा व्यक्ति क्या है, उसका घर कहाँ है, साइबेरिया में है। दूसरा व्यक्ति जो है उसका घर कहाँ है, साइबेरिया में। अब न्यू ईयर आया, ठीक है। न्यू ईयर अगर आया तो साइबेरिया वाला क्या करेगा, वो अपना न्यू ईयर 12 बजे से मनाना शुरू करेगा, ठीक है। 12 बजे से मनाना शुरू करेगा और ये पूरे रात मनाएगा, ठीक।
माफ़ करना, रिकॉर्डिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे हम मान लेते हैं कि एक व्यक्ति का घर कहाँ है, अलास्का में है, ठीक है, यहाँ पे दूसरे व्यक्ति का घर, इसके दोस्त का घर कहाँ है, ये साइबेरिया में है। हमने यहाँ पे देखा कि ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरी है, इसके इधर 12 घंटे पीछे चल रहे हैं, ये 12 घंटे आगे चल रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि टोटल इन दोनों, इस रेखा के इस पार उस पार कुल कितने समय का अंतर हो गया, 12 प्लस 12, ये 12 पीछे ये 12 आगे, मतलब कुल मिला के 24 घंटे का अंतर हो गया। 24 घंटे का अंतर यह दर्शाता है कि यदि यहाँ पे आज 31 जनवरी रात के 12 बज रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ, 31 जनवरी रात के 12 बज रहे हैं, तो ये भी यहाँ पे क्या 30 जनवरी रात के 12 बज रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या 30 जनवरी रात के 12 बज रहे हैं, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में कुल कितना अंतर है, 12 प्लस 12, 24 घंटे का अंतर है। अब यहाँ पे मान लेते हैं एक दोस्त है, मतलब एक व्यक्ति है जैसे जिसके यहाँ 31 जनवरी रात के 12 बजे, और ये क्या किया, ये न्यू ईयर मनाना शुरू कर दिया, ठीक है, रसिया वाला क्या किया, जो साइबेरिया में रहता है, ये अपना न्यू ईयर मनाना शुरू कर दिया, और इसने अपने पटाखे, फूल पटाखे जितने दागने थे, दारू पिया, मुर्गा खाया, सब एकदम जम के मनाया, पूरी रात मनाया, पूरा दिन मनाया, और फिर उसके बाद ये सो गया। अब इसका दोस्त जो होता है अलास्का में रहता है, अलास्का में अब जाके, क्योंकि 24 घंटे का अंतर है, यहाँ पे जब 31 तारीख था, यहाँ पे तो 30 तारीख था, अब यहाँ पे क्या हुआ, 31 तारीख हुआ रात के 12 बजे, ये अपना न्यू ईयर मनाने के लिए सोचा कि अपनी नाव लेते हैं और रसिया में जाके, मतलब यहाँ साइबेरिया में जाके अपने दोस्त के न्यू ईयर मनाते हैं। ये अपनी नाव लेके इधर निकला, ठीक है, ये अपनी नाव लेकर साइबेरिया की तरफ निकला, और 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का अंतर मान लो है, तो ये उसको पार करके साइबेरिया अपने दोस्त के घर पहुंच गया। तो यहाँ पे वो देखता है कि यहाँ तो सब सो रहे हैं, न्यू ईयर का कोई जश्न ही नहीं है, वो उसके दरवाजे को खटखटाया, बोला कि चलो न्यू ईयर मनाते हैं, तो उसने बोला कि अरे हमारे यहाँ तो आज 2 जनवरी है, ठीक है, हमने कल ही न्यू ईयर मनाया था, और आज हमारे यहाँ क्या है, 2 जनवरी है, हमारे यहाँ न्यू ईयर ख़त्म हो चुका है। तो उसका दिमाग तो सटक गया कि भाई इतनी तैयारी करके आया था न्यू ईयर मनाने के लिए दोस्त के पास, और यहाँ 1 किलोमीटर के अंतर पर क्या हो गया, उसका पूरा एक दिन बर्बाद हो गया। यहाँ पे ये चला था 31 तारीख से, और जैसे इसको पार किया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को, यहाँ पे कितना हो गया, 2 तारीख, मतलब 1 तारीख इसकी ज़िंदगी से गायब हो गया। इसलिए कहा जाता है कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करके पूर्व दिशा में जाते हैं, तो हम उसी दिन को दोहराते हैं जिस दिन को हम जी चुके होते हैं, ठीक है, उसी दिन को दोहराते हैं जिस दिन को जी चुके होते हैं, ठीक है। यदि हम इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करके पश्चिम की दिशा में जाते हैं, तो हमें एक दिन का घाटा हो जाता है। ये क्या किया, 31 जनवरी रात के 12 बजे, मतलब इसने न्यू ईयर मनाने के लिए सोचा कि हम अपना न्यू ईयर जाके अपने दोस्त के यहाँ मनाएंगे, ठीक है, अपने दोस्त के यहाँ मनाएंगे, लेकिन ये क्या हुआ, इसको एक दिन का घाटा लग गया, उसका पूरा न्यू ईयर वाला दिन ही गायब हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करके जो पश्चिम की दिशा में आता है, उसका क्या होता है, एक दिन का लॉस हो जाता है। तो इस प्रकार ये बात होगी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की। अगर इसमें कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट करिएगा, हम इसको एक बार फिर से समझाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग का जो दूसरा चैप्टर था ग्लोब अक्षांश और देशांतर, उसकी समरी हम लोगों ने कवर की। अब हम लोग अगला चैप्टर जो इसका होता है, जिसमें हमारा है पृथ्वी की गतियाँ, इसकी समरी हम लोग कल कवर करेंगे। दोस्तों यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें। और यदि आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर आइए, पूरी पॉलिटी प्री और मेंस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पढ़ा दी गई है, इसका PDF नोट्स भी दे दिया गया है, आप वहाँ से इन तमाम से पढ़ सकते हैं और अपने परीक्षा में अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम लोग विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।